देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, कोबेट बुलेटिन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ हिना इकबाल खान। चलिए बात करते हैं आज की खास खबरों की। खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी में आज अचानक रामपुर रोड स्थित एक लीसा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसका पता पुलिस लगा रही है कि आग आखिर कैसे लगी। फैक्ट्री में भीषण आग लगने की सूचना पर पुलिस और फायर विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग बुझाने की कोशिशें शुरू की गई। आग इतना भीषण था कि फायर ब्रिगेड कर्मचारी लीसे पर जितना पानी डाल रहे थे, आग उतनी ही भड़कती जा रही थी, जिससे टीम की परेशानियां लगातार बढ़ रही थी। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आखिर फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया, जिसको बमुश्किल दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दमकल कर्मियों द्वारा बताया गया, 4 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग से 30 लाख का लीसा जलकर खाक हो गया। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से संपादक अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। ऐसी ही छोटी बड़ी देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। बताते हैं और यहाँ पे लीसा है, देख रहे हैं आप। मुझे नहीं इस बारे में कुछ नहीं आते, बट इनका ये काफी ढंग से चल रहा है। मेरा नाम अरे मैं तेरी और दूसरी बात ये है, मैं और इतना बता चाहूंगा और ये तुरंत इतना बदतमीज आ गए, मुझे कहना चाहिए चल के मर जा। पता नहीं किधर गया, हमें नहीं कॉल भी आई है अभी। अगर ये कॉल करके कॉल आता है तो नंबर से कॉल आई कि आपके वहां आ जाओ, हाथ लेके पड़ी है। वो कहने का मतलब ये है कि मैंने ही कॉल करी, मुझे कॉल आई है आज सुबह से। सबसे पहले मैंने ही कॉल करी पुलिस, इनके बाद कोई भी व्यक्ति यहाँ उपस्थित नहीं है। इट इज इलीगल, टोटली इलीगल। मैं वीडियो तो मिल जाएगी आपको बहुत सारी।